नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट का मामला सामने आने के बाद हर जगह इसको लेकर चर्चा और आक्रोश नजर आ रहा है। आक्रोश नजर आना भी चाहिए, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस मामले के बाद अब कई मंदिरों में भी प्रसाद को लेकर कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध मन कामेश्वर मंदिर के महंत देवयागिरि द्वारा बड़ा कदम उठाते हुए मंदिर के बाहर नोटिस लगा दिया गया है कि अब मंदिर में भगवान को घर का प्रसाद या सूखे मेवे फलादि का ही प्रसाद लगेगा, बाहर का प्रसाद नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर महंत देवयागिरि ने जिलाधिकारी लखनऊ को भी ज्ञापन देकर प्रशासन का सहयोग मांगा है, पर इस आदेश से मंदिर के बाहर वर्षों से प्रसाद की दुकान लगा रहे दुकानदार परेशान हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सी न्यूज भारत की टीम ने मनकामेश्वर मंदिर जाकर इस आदेश पर वहां के महंत देवयागिरि और मंदिर के बाहर दुकान लगा रहे दुकानदारों से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मेरा नाम कनक मिश्रा है, मैं मौजूद हूँ मनकामेश्वर मंदिर में। जैसा कि आप सभी को पता है, आंध्र प्रदेश की घटना के बाद हर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को लेकर के काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो हम मौजूद हैं मनकामेश्वर मंदिर में, यहाँ के जो बाबा हैं उन्होंने भी प्रतिबंध लगाया है। तो हम यहाँ बात करेंगे बाबा जी से और जो यहाँ भक्त आए हुए चढ़ाने की, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मंदिर में जो नोटिस लगी है उसको पढ़ के मैं आपको बताती हूँ। मंदिर में भोग हेतु अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद सूखे मेवे ही गृह गर्भ में चढ़ाएं। बाजार से लाए गए प्रसाद तिरुपति बालाजी अध्ययन के घटना के कारण प्रतिबंधित किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर दुकानदारों से, पूछते हैं उनसे कि जो प्रतिबंध लगा है मंदिर में उससे इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और जो घटना हुई है उसके बारे में ये क्या कहेंगे, इनके क्या विचार हैं। दादा ये बताइए कि जो आजकल प्रसादों में जो मिलावट है वो चरम सीमा पार कर चुकी है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जो भी इस समय कोई चीज़ जितनी कंपनियां हैं, जैसे घी है, तेल है, उस पर जांच होनी चाहिए। अच्छा। भाई हम लोग बाज़ार से ही सब कुछ खरीदते हैं, कोई चीज़ भी खरीद बनाते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर वो जाँच करते रहेंगे, बीच बीच में पकड़ते रहेंगे, कोई गलत चीज़ बिक नहीं पाएगी। फिर किसी का अब जो मंदिर का मसला निकला, वहाँ एक प्रसाद की दुकान थी, वहाँ एक ठेकेदार था, वो अपनी मनमानी करता था, क्या भी बेच रहा है क्या, वो तो कहिए जांच हो गई तो इससे पकड़ा गया तो इससे ये हुआ कि क्या बेच रहा था वो। अच्छा, जब बीच बीच में अगर आप जांच होती रहती है तो कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। और हमारे भाई धार्मिक स्थल पर या संस्था, ये सब चीज़ें हैं, आस्था पर असर पड़ेगा। तो इसीलिए जहाँ तक जैसे घी है, तेल है, भाई हम उसी को खाते भी हैं, परिवार में भी यूज करते हैं, तो अगर जब ऐसा ही होगा तो सब अपना मनमानी करने लगेंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ से मंदिर हो या कहीं भी हो, उसकी जांच होनी चाहिए जो चीज़ बच रहा है, बिक रहा है। अच्छा, ये जो मनकामेश्वर मंदिर में प्रतिबंध लगाया गया इस घटना के बाद, तो इससे आपकी दुकानदारी पर, आपके इस पर प्रभाव, उस पर असर ये पड़ रहा है कि भाई जो कस्टमर सुन रहा है, जो दर्शनार्थी आता है, भोग लगाना है उसको, तो वो सोचता है कि अब अंदर चल नहीं रहा है, तो वो जब फिर कुछ लोग तो ले जाते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ तो बेच नहीं रहे हैं, तेल की चीज़ नहीं है, घी की चीज़ नहीं है हमारे पास, कोई का है गरी का है, यही बेच रहे हैं, इसी से लोग ले जाते हैं। दादी जी ये बताइए कि आप यहाँ कितने सालों से ये दुकान खोल के बैठे? 25 साल हो गए आपको। अच्छा, तो अभी अभी जो है एक मामला चल रहा है जिसमें प्रसादों में मिलावट करी जा रही है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो मंदिर है मनकामेश्वर मंदिर, इसमें प्रसाद ले जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इससे आपकी दुकान पर 25 सालों में जो असर नहीं हुआ वो अब हो जाएगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कहें बेटा, अब रोजी रोटी हमारी जा रही है, अब हम लोग करें क्या, अब कौन सा धंधा हम लोग करें, हैं? हम लोगों की तो यही कमाई थी बेटा, और कोई तो कमाई नहीं है, हम लोग कमाने जाएं अभी तो कहाँ जाएं। आज ही प्रतिबंध लगाया गया है, तो क्या आज कुछ लोग लेने आए थे या फिर वो आदेश देखने के बाद नहीं आए? नहीं आए तो, लेकिन बहुत कम लोग आए। अच्छा। बहुत कम लोग आए। अच्छा। जितना आना चाहिए उतना नहीं आए। ये बताइए कि जो सच में प्रसाद में मिलावट करी जा रही है,
तो उस पे आप क्या कहेंगी कि जो हो रहा है वहाँ आंध्र प्रदेश में, उस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, वो जो वहाँ हो रहा है उससे हमसे कोई लेना देना अच्छा। नहीं है। हम लोग खोया और नारियल बेचते हैं अच्छा। इसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं रहती है, क्योंकि इसमें पाक बनता है हाँ। तो चीनी का और खोए में देसी घी का ही रहता है अच्छा। इसमें क्या चीज़ हम लोग मिलावट हो रही है? तो ये तो बेटा देखिए, जो दूध होता है हाँ। उसको औट के बनाते हैं हाँ। वो ऊपर से तो डालते नहीं घी हाँ। तो इसमें कोई अच्छा। चीज मिलावट नहीं अच्छा। होती है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मंदिर में प्रसाद को लाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन कुछ भक्त अभी भी प्रसाद लेके आ रहे हैं। या तो उनसे भूल हुई है, या तो उन्होंने सही से वो जो आदेश जो लिखा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ, उसको सही से पढ़ा नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्त हैं वो अभी भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें पता है तो वो सिर्फ फूल माला या मेवा मिश्री और जल लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आंध्र प्रदेश की घटना के बाद सभी मंदिरों में प्रसाद को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैसे ही मनकमेश्वर मंदिर में भी प्रसाद को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की महंत दिव्या गिरी, तो इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि जो घटना हुई है आंध्र प्रदेश में, तो इतने सारे जो भक्त हैं उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ है, और जो मिलावट हो रही है वो चरम सीमा पर है, तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जो हुआ वो मुझे लगता है कि आस्था पे बहुत बड़ा आघात था। क्योंकि तो जैसे ही ये पता चला कि ये इसमें पूरे लड्डू में वो शाकाहारी नहीं, वो मांसाहारी है, तो वो 300 वर्षों से ये सब कुछ चल रहा है। तो हम तो क्या, अन्य ने हमारे पूर्वज भी मंदिर जा चुके होंगे, उनका भी धर्म भ्रष्ट हो चुका होगा, ये जानते हैं कितना आदमी को मानसिक आघात होता है। ये शायद वो व्यक्ति नहीं जान सकते हैं जिन्होंने धर्म को भ्रष्ट किया है। तो पहला तो ये, जिन्होंने ये कृत्य किया है उनकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी अक्षम्य अपराध है, उनको मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। हाँ, ऐसी अन्य प्रांतों में ऐसी घटनाएँ ना हों, इसलिए मठ मंदिरों के वहाँ के व्यवस्थापक, वहाँ के पुजारीगण, वहाँ के ब्राह्मण जन को थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, और जो प्रसाद है उसकी समय समय पे या तो जांच होती रहे, और कोशिश ये करें कि सूखे प्रसाद की ओर अग्रसर रहें। और जैसे फल है, मीठा, इन सब, जैसे ड्राई फ्रूट्स में भी हमारे ढेर से ऐसी मीठी चीज़ें होती हैं जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं या भोग लगा सकते हैं, उस पर आना होगा। हमारी जो पुरानी परंपराएँ हैं उस पर आना होगा, तभी हमारे आहार की शुद्धि हो सकती है, जो देव को हम अर्पित कर रहे हैं वो शुद्ध हो सकता है। ये सबका सम्मिलित प्रयास होगा, भक्त का भी, वहाँ के व्यवस्थापक का, तभी ये संभव है हम लोग को कुछ रिजल्ट मिल जाए। हाँ, आज हम लोगों ने ये नियम जरूर बनाया है कि आज चूँकि सोमवार का दिन था, हमारे अत्यधिक हमारे भक्तगण आते हैं, उनको जागृत करने के लिए हम लोगों ने आज एक अपील की इस आग्रह के साथ कि आप घर से प्रसाद लाएँ। अगर आज आप ले आए हैं तो आप उसको वापस घर ले जा सकते हैं, फल चढ़ाएँ या सूखे प्रसाद पर ही आपको आना होगा। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आपने प्रतिबंध लगाया है, तो बाहर जितनी दुकानें लगी हैं, जितने दुकानदार हैं, तो उनकी रोज़गार पे, उनकी कमाई पे भी असर पड़ेगा, तो इसको आपने सोचा था या नहीं? ये तो देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न हुआ। अगर हम अपने देवता को कोई भी सामान चढ़ा रहे हैं, अगर वो अशुद्ध है तो वो तो चढ़ाने लायक नहीं है। अगर हम थोड़े से लाभ आने से इतर जाएं, तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है। अगर हिंदू धर्म में कोई जन्म लिया है और वो शाकाहार पे है, उसको अचानक से पता चलता है कि हमने मांसाहार ग्रहण किया, तो उसके उस पर क्या बीता होगा? जो उसने सोचा होगा कि हाँ, हम बालाजी गए थे और हम वहाँ का लड्डू खाए, अब वो निकाल तो नहीं सकता है, वॉमिट तो नहीं कर सकता है। तो आप सोचिए ऐसी घटनाएं ना हो, और थोड़ा सा तो लाभ हानि, अगर विक्रेताओं पे कोई दिक्कत आ रही तो मुझे तो नहीं लगता है उनका बहुत ज़्यादा कोई हानि होने वाली है। आपका मिष्ठान हो सकता है 200 से 500 रुपए किलो हो, ड्राई फ्रूट्स उससे महंगा है, आप उसको विकल्प के तौर पे रखें, आप उसको चढ़वाएं, फल चढ़वाएं। अगर आप ये शुद्धता मेंटेन रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने जो आहार शुद्धि कर पाएंगे और हम अपने शाकाहार को बचा पाएंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने महंत जी से बात करी, उन्होंने कहा कि बाहर जो दुकानें लगती हैं, वहाँ के जो दुकानदार हैं, वो आप प्रसाद में मेवा मिष्ठान फल फ्रूट भी रख सकते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैमरामैन दीपक के साथ। मैं कनक मिश्रा, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।